खबर शामिल करते हब से यासिन बलेदी की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी माहौलियात बलोचिस्तान अब्दुल सबूत काकड़ ने हब चौकी में अटक सीमेंट फैक्ट्री का दौरा किया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल माहौलियात जहांगीर खान, डायरेक्टर माहौलियात गुलाम रसूल जमाली और डायरेक्टर टेक्निकल मोहम्मद खान उत्मा खेल इनके हमराह थे। सेक्रेटरी माहौलियात ने अटक सीमेंट फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। अटक सीमेंट फैक्ट्री के चीफ एग्जीक्यूटिव बाबर बशीर, सीनियर जनरल मैनेजर अरफान अमानुल्ला, सीनियर जनरल मैनेजर मोहम्मद नासिर खान ने सेक्रेटरी माहौलियात को फैक्ट्री के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का दौरा कराया। इस मौके पर मैनेजर फैक्ट्री मोहम्मद शाकिर, सिक्योरिटी एंड एडमिन मोहम्मद नासिर अब्बास और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रहमतुल्ला मेंगल भी मौजूद थे। बाबर बशीर और अरफान अमानुल्ला ने सेक्रेटरी माहौलियात अब्दुल सबूर काकड़ को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अटक सीमेंट फैक्ट्री गरीब बच्चों को तलीम देने के लिए TCF स्कूल हब को माली मदद फराम कर रही है ताकि गरीब बच्चों के यूनिफॉर्म और किताबों के खराजात उठाए जा सकें। इसके अलावा सकरान के गोठों के बच्चों के लिए अटक सीमेंट कमेटी ने अपना तलीमी अदारा बनाया है। उन्होंने कहा कि अटक सीमेंट के हाथे में फैक्ट्री की अपनी डिस्पेंसरी है जो इलाके वालों के चेकअप और मेडिसिन फ्री में फराहम करता है। सेक्रेटरी माहौलियात अब्दुल सबूर काकड़, डायरेक्टर जनरल माहौलियात जहांगीर खान, डायरेक्टर माहौल गुलाम रसूल जमाली और टेक्निकल डायरेक्टर मोहम्मद खान उत्मा खेल ने आवाम को मजीद सहूलियात की फरहमी और साफ सुथरी सेहतमंद माशरे के क्याम पर सराहते हुए कहा कि इंडस्ट्रीज मालकान आवाम को मजीद सहूलियात फराहम करके मुकामी बलोचिस्तान के लोकल नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करे ताकि हुनरमंद नौजवानों के माशी मुश्किल हल हो सकें। सर वहाँ पे वो उनका मसला और है ना, उनका मसला ये की जब वो कोयल बंद करते हैं ऐश बाहर निकल आता है। वो हमारे पीछे बहुत रहेंगे कि हम 5 लाख टन ऐश हमारे पास पड़ी है आप उसको ले ले, लेकिन वो किधर इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत बड़ा इशू है, वो बहुत बड़ा इशू है। तो उनके लिए क्या इशू है? इशू तो हमारे लेकिन ये इस आप कहीं ट्रांसपोर्ट कर खरीद ले लोग वो करते हैं सीमेंट ग्राइंडिंग इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटी जिसकी स्ट्रेंथ कम होती है, करेक्ट ना जी? ग्राइंड फाइन ग्राइंड करना पड़ता है उसको, फाइन ग्राइंड किस्मत ही अगर सीमेंट में ग्राइंड करके उसको इस्तेमाल कर लें एक्सपोर्ट करते हैं तो वायबिलिटी सकता है। मसला अगर वो हमें पे करें और हमें कंपनसेट करें क्योंकि जब हम फ्लाइट सीमेंट हम बनाएंगे तो प्राइस हमें लो प्राइस में बेचना पड़ेगा मार्केट में, तो ये हमें करके दुनिया में ऐसे ही होता है जैसे जैसे यूरोप वगैरह में जर्मनी वगैरह देखा था तकरीबन 9 यूरो आपको ये देंगे आप ये कचरा हमारे जिला के खत्म करें। तो ये फ्लाई एयर सीमेंट जैसे पावर कंपनी है अगर हमें कुछ पैसा दे आप फुल कैपेसिटी पे जा रहे हैं 100% ठीक है। अभी सर डिमांड का ये है कि डिमांड अभी पिछले एक महीने से तो कुछ थोड़ी तेजी आई है, डिमांड का ये कहानी है सर कि अभी जो पाकिस्तान गेहूं के 40-45 मिलियन टन लेकिन उसका साथ ये है कि जो हमारे साउथ के प्लांट हैं जिसमें हम ही चल रहे हैं जो नॉर्दर्न प्लांट्स हैं जो कि नॉर्थ से मुराद है जो पंजाब में ज्यादा प्लांट है वो 100% पे नहीं चलते। उनको मसला ये होता है कि वो उतना ही बनाते हैं जितना कि वो लोकल में बेच सकते हैं, लोकल तकरीबन कोई 60-65-70% वो बेच सकते हैं उसके ज्यादा नहीं बेच सकते, उनको एक्सपोर्ट का इतना भी नहीं। तो आपकी जो आपको कोयला चलाते हैं कोयला इम्पोर्ट कोयला तो हमने शुरू किया है 2003 उससे पहले तो गैस मिलती थी प्लांट है जिसने अपनी गैस की सीमेंट के लिए गैस बंद कर दी